अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल रोल। अच्छा, इसको दो मेथड से हम बना रहे हैं। चाइनीज़ रोल भी आप इसे कह सकते हैं, वेजिटेबल भी, क्योंकि मैं स्पाइस जो है इसके पाकिस्तानी और चाइनीज़ दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ। एक न्यू रेसिपी है, न्यू टेस्ट होगा इंशाल्लाह इसका। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या करा है, सबसे पहले बंद गोभी ले ली एक छोटी, इसे जूनियर कटिंग कर लिया है। गाजर है, उसे भी जूनियर कटिंग कर लिया है। हरी प्याज है, उसका वाइट पार्ट इधर है और ग्रीन पार्ट इधर है, ठीक है। और इसमें शिमला मिर्च ऐड है, लहसुन है और दो जवे हैं और हरी मिर्चें हैं। अच्छा जी, अब चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था, देखें इसको मैंने इस तरीके से बॉईल करके रख लिया है। वन एग है, ये चॉप करके हम डालेंगे, बॉईल एग है और वन एग मैं वैसे ही इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, स्पाइस अब आप देख लीजिए स्पाइस। अच्छा जी, अब इसके स्पाइस आप देख लीजिए, स्पाइस में इसमें क्या क्या है, देखें रेड जो साबुत मिर्चें होती हैं लाल, वो मैंने तीन ली हैं इसमें, और ज़ीरा लिया है, साबुत धनिया लिया है, सबको हमने कूट लिया है, ठीक है, ग्राइंड करके। थोड़ा सा हमने पहले उसे रोस्ट करना है, फिर उसे ग्राइंड करके कूट लेना है थोड़ा मोटा मोटा, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें मैंने काली मिर्चें ली हैं, सफ़ेद मिर्चें ली हैं, अब आप जितना बना रहे हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं, हाफ हाफ टी स्पून ले सकते हैं, सफ़ेद मिर्चें हाफ टी स्पून से भी कम लेंगे। सॉल्ट लिया है, चाइनीज़ सॉल्ट भी आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके सबको एक जगह करके मैंने रख लिया, सारे स्पाइस इस तरह ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए मैं बटर से बना रही हूँ। बटर में मैंने क्या करा है, लहसुन जो है चॉप करके वो ऐड कर दिया, ठीक है। अभी सारी वेजिटेबल ऐड करेंगे, देखिए। अच्छा, हमने ज़्यादा वेजिटेबल को बिल्कुल नहीं पकाना है, ठीक है, वरना सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर इनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना होना चाहिए। ये हरी मिर्ची अब हम ये ऐड कर देंगे, इसमें बारीक मैंने कट कर ली थी इसे जी। देखिए वेजिटेबल इस तरह कुक हो रही है। अब इसमें वन एग जो था हमने जो बॉईल करा हुआ था इसको ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे, हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, और सारे स्पाइस जो हैं हम ऐड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। सबको हमने ऐड कर दिया, बस दो मिनट इसे और कुक करेंगे और फिर फ्लेम जो ऑफ कर देंगे जी। तो ये देखिए कलरफुल से हमारी वेजिटेबल चिकन और एग के साथ रेडी है, और जो है देखिए हमने ज़्यादा नहीं पकाया हुआ, तो क्या है कलर भी इसके सही रहे और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हुई। अब इसे फ़ौरन फ्लेम से हटा देंगे। अच्छा जी, अब हम इसको रोल बना लेते हैं। देखिए मैंने पट्टियाँ ले ली हैं। अच्छा, मैं बहुत छोटे रोल बना रही हूँ, आप चाहें बड़े बनाएं छोटे। एग था मैंने, एग योक अलग कर दिया और वाइट अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें एग योक अभी किसी चीज़ में काम में लेना है इसलिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पट्टियाँ हैं इसके जो हैं कॉर्नर जो हैं इस पर हम एग वाइट लगा देंगे ताकि बाइंडिंग हो जाए, सही है। अच्छा देखिए, रोल क्या हमें छोटे बनाने हैं, तो हमने 1 टेबल स्पून लिए फिलिंग, ज़्यादा बनाने होंगे तो हम ज़्यादा लेंगे, बड़े बनाएंगे, ठीक है। अब इस तरीके से हमने इसे पहले फोल्ड करा है और साइड पर यहाँ पर हम दोबारा जो है एग वाइट लगाएंगे ताकि साइड्स बन रहे। देखिए इस तरीके से इनको दोनों हिस्सों को हमने इस तरीके से कवर करना है, छोटे हैं तो इसमें छोटा ही साइज़ बनेगा इसका। अभी देखिए इस तरीके से हम इजीली इसको सबको कवर करते चले जाएंगे। अच्छा जी, देखिए रोल हमने सब रेडी कर लिए हैं। अब क्या ये एग योक है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इस रोल को बेक कर रहे हैं। फ्राई करना तो सभी को आता होगा, तो मैंने सोचा कुछ आपको हेल्दी से चीज़ें सिखाऊँ। देखिए क्या करना है हमने, इस तरीके से लेना और पूरे इससे क्या कलर बहुत अच्छा आएगा, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने सब पे लगाना है और इस तरीके से जो हमारा ये मैट है इस पर हम रख देंगे, रख के फिर लगा देंगे ताकि हाथों पे ना लगे ज़्यादा। देखिए हर तरफ से इसे हम इस तरीके से करेंगे और ओवन में से बेक करेंगे जी। तो देखिए सब में इस तरीके से हमने एक योक लगा लिया, अभी इसे हम बेक करने के लिए रख रहे हैं ओवन में जी। तो देखिए ओवन ये हमने प्रीहीट करने के लिए रख दिया, ठीक है, और ये प्रीहीट हो गया, जिसमें हम ये सारा रोल रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से जी। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गए। इसी तरीके से आप समोसे रोल हर चीज़ बेक कर सकते हो। मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, न्यू रेसिपीज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।